फ्रेंड्स मैं आपको इंटीरियर दिखा दूँ अगर तेजस एक्सप्रेस का, तो काफ़ी सुंदर ये जो पिल्लो जब अभी बांटेंगे, ये 3 tier AC है फ्रेंड्स, मैं बता दूँ इस, और ये गेट ऑटोमेटिक फिर से लॉक हो जाएगा सभी के लिए वीडियो में। और ये देखिए गेट जो है ऑटोमेटिक क्लोज हो गया। हेलो गाइस, मैं हूँ सौरभ, आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पटना स्टेट पे। 1000 सब्सक्राइबर के लिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। मैं आ गया हूँ स्टेशन पटना जंक्शन, सॉरी राजेंद्र नगर, जो पटना से पहले हैं, और हम लोग जा रहे हैं दिल्ली। और ये है तेजस एक्सप्रेस, आज हम लोग ब्लॉग बनाएंगे तेजस एक्सप्रेस का। सबसे पहले मैं बता दूँ तेजस एक्सप्रेस में चेंजिंग हुआ है, आप देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पे स्पेस है, जो वॉशरूम साइड स्पेस होता है वो काफ़ी है, आप यहाँ देख सकते हैं। मैं आपको दूर से दिखा दूँ, जो ये स्पेस है वो काफ़ी है, जो कि आम तौर पे एसी ट्रेन में नहीं होता है। और आप लोगों सबको पता ही होगा, मैं आपको अपडेट कर दूँ, ये जो गेट है खुद ऑटोमेटिक बंद होता है टाइम से ये खुद लॉक हो जाएगा, उसके बाद ये जंक्शन पे ही खुलेगा जहाँ ये ट्रेन रुकेगी। तो ये काफ़ी न्यू अपडेट है, आपको फ्रेंड्स दिखा दे रहा हूँ। ये ट्रेन जो है काफ़ी सुंदर है और लोग बैठ रहे हैं, टाइम से आ रहे हैं, बिकॉज़ पटना में काफ़ी जाम लगता है शाम में, तो लोग जल्दी जल्दी आकर बैठ जा रहे हैं। मैं बैठ गया हूँ ट्रेन के अंदर और मैंने जो भी लगेज वो सेट कर दिया है। मैं इसी स्पेस में हूँ जहाँ पे मैंने बताया था, काफ़ी स्पेस है और बहुत ही समझिए कि बहुत क्लीन है, क्लीननेस हिसाब से टॉप पे है ये ट्रेन। और राजधानी अपग्रेड हो गया तेजस में, मैंने बताया। अब हम लोग चलते हैं, पर वॉशरूम दिखा रहे थे कि वॉशरूम में क्या है। वॉशरूम में आ गया, आप देख सकते हैं वॉशरूम में काफ़ी बड़ा मिरर है, काफ़ी क्लियर इमेज दे रहा है। ये हमारा बेसिन है, ये हमारा हैंड वॉश है, और ये लॉक है हमारा जैसे नॉर्मल लॉक होता है, और बहुत ही साफ़ सुथरा है, बहुत ही अच्छा, मतलब क्लीननेस के हिसाब से, डिज़ाइन के हिसाब से बना हुआ है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी रूल्स है वो लिखे हुए हैं, और यहाँ प्रेस है फॉर फ्री फ्लश। और वॉशरूम के हिसाब से मैं बताऊँगा, बहुत अच्छा वॉशरूम है और बहुत ही क्लीन वॉशरूम है, बहुत अच्छा चेंजिंग है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा अपग्रेडेशन है। मैं बताना चाहूँगा, जो वॉशरूम का हमारा जो टॉयलेट है उसमें वैक्यूम क्लीन जो होता है वो है, जो कि अक्सर फ्लाइट में लोग देखते हैं, तो मैं ये वीडियो में नहीं दिखा पाऊँगा, आप खुद एक्सपीरियंस कीजिएगा। बट बहुत ही अच्छा इसमें अपग्रेडेशन दिया है तेजस एक्सप्रेस में, जो कि वैक्यूम क्लीन टॉयलेट है, और बहुत सही। इसको इंटीरियर दिखा दूँ अगर तेजस एक्सप्रेस का, तो काफ़ी सुंदर ये जो पिल्लोज है वो अभी बांटेंगे। ये 3 tier AC है फ्रेंड्स, मैं बता दूँ, इस यहाँ का जो स्टेयर्स है बिल्कुल न्यू, बहुत लोग तो घूम लिए होंगे। मैं फर्स्ट टाइम अपग्रेड करके राजधानी के बाद मैं बैठ रहा हूँ, इसलिए मैं आपको ये सब दिखा दूँ, जो जो नहीं बैठे वो देख लें। और काफ़ी स्पेस है 3 tier AC में भी, देखिए बीच का स्पेस कितना बड़ा है, और ये जो सीट है इसकी चौड़ाई भी काफ़ी बड़ी है, जो कि आम AC ट्रेन में नहीं मिलता है। और आप देख सकते हैं यहाँ से मैं बॉगी दिखा दूँ आपको, काफ़ी बढ़िया लग रहा होगा देखने में, आपको काफ़ी कंफर्टेबल। एक बहुत अच्छा अपग्रेडेशन है तेजस एक्सप्रेस में, आपको हर बॉगी में, हर कंपार्टमेंट में एक प्राइवेट डस्टबिन दिया हुआ है, इसको आप पैर से प्रेस करके इसमें कुछ भी जो भी कचरा है वो डाल सकते हैं, जो कि पहले बेसिन के पास होता था, अब हर कंपार्टमेंट में अपना अपना खुद का बेसिन। हम लोग बस ट्रेन खुलने का वेट कर रहे हैं, और ये मेरे पीछे जो गेट है वो अब ऐसे बंद नहीं करता है, ऑटोमेटिक बंद होगा, मैंने बताया, मैं आपको दिखाऊंगा ब्लॉग में। तो बस खुलने का वेट कर रहे हैं, 7 बजने वाला है, 7:05 में डिपार्चर है यहाँ से राजधानी टर्मिनल से, तो बने रहिए ब्लॉग। ट्रेन खुल गई है तेजस एक्सप्रेस, और हम लोग देखेंगे कि यहाँ का गेट कैसे बंद होता है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, और बस बने रहिए वीडियो। ये हमारा गेट क्लोज हो गया। आगे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन जंक्शन, जो कि मुगल सराय के नाम से भी जाना जाता था, वहाँ हम लोग पहुँचे एकदम राइट टाइम राजधानी में। और हालांकि गेट खुल गया है और काफ़ी ठंड है यहाँ पे, कुहासा है, काफ़ी कोहरा है, और कल मॉर्निंग में दिल्ली पहुँचेंगे, मैं आपको सीन दिखा दूँगा। हमारा आप देख रहे होंगे स्टेशन पर ही कोहरा दिख रहा है, हल्का कोहरा का यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ठंड की वजह से। बटन सोते हैं गाइज, आप देख सकते हैं ट्रेन के अंदर, और ये सब कितने सारे इंडिकेटर्स हैं, जो कि समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या है, बड़ा मैं दिखा दूँ आपको ये सारे इंडिकेटर्स। हम लोग पहुँच गए हैं मुगल सराय दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, हम लोग पहुंच गए हैं न्यू दिल्ली फाइनली, राजधानी एक्सप्रेस आधे घंटे लेट था तेजस एक्सप्रेस, काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा गाइस। अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे बीकानेर 12 बजे, उसका व्लॉग अलग से डालूंगा मैं, तब तक ये व्लॉग एंजॉय कीजिए तेजस एक्सप्रेस का, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, लगे रहिए, बने रहिए, इंजॉय करते रहिए, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।